आपकी स्क्रीन पे फिलहाल आपको कुछ एक्सचेंजेस दिख रहे हैं जिनमें मोस्टली आप बाइनेंस, कुकॉइन, होबी ग्लोबल या फिर क्रैकन या फिर गेट.io, बिट्रेक्स, इनमें से अगर आप किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हैं या फिर ये नो एक्सचेंज है, सो हो सकता है कि अगर आपने आपका फंड इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे रखा है, सो वो फंड आप कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद, हो सकता है कुछ समय बाद विड्रॉल ना कर पाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया है। लेकिन ये है अधूरी जानकारी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर पूरा मांजरा क्या है, और अगर आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज में फंड रखे हैं फिलहाल, तो आपको अपना फंड कौन से एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना चाहिए और कौन से वो इंडियन रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जो कि कंप्लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उनमें से आप किस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं और मोस्टली मैं किस एक्सचेंज को यूज करता हूँ। सो बेसिकली शॉर्ट में समझते हैं इन सभी नो एक्सचेंजों को क्यों इंडिया में बैन किया जा रहा है। ये सभी एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज है, यानी कि ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये सभी इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये सभी एक्सचेंज किसी भी प्रकार के कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट इंडिया के। इसी के कारण ये सभी एक्सचेंज को बैन किया जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट बैन नहीं है, ये एक शैडो बैन है। बेसिकली मार्च 2023 में क्रिप्टो को PML एक्ट के अंदर लाया गया था, उसके हिसाब से जो भी एक्सचेंज इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं उनको 2023 से सभी रूल्स को फॉलो करना था PML एक्ट 2002 का, लेकिन ये जो नो एक्सचेंज हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको बैन किया जा रहा है। जिस प्रकार से टिकटॉक आप बोल सकते हैं कि बैन किया गया था, उसके बाद में जो पबजी है उसको बैन किया गया था, पबजी फिर रीनेम होके वापस से BGMI के नाम से आया था। इसके अलावा FIU इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिखा है कि आप इन सभी URLs को बंद कर दीजिए जो कि नो एक्सचेंजों के हैं, यानी कि अब से ये सभी एक्सचेंज इंडिया में आप ओपन नहीं कर पाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आप इनकी वेबसाइट को यूज नहीं कर पाएंगे, आप इनके जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनको भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब बेसिकली अगर आपका फंड इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेसिक सा है, पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको ये सभी बोलते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जब हमारा पैसा रखा होता है तो आप हो या फिर मैं हूं या कोई भी हो, सब पैनिक करते हैं, बस दिखाते नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सबको डर लगता है कि भाई मेरा फंड यहाँ पे रखा है मैं क्या करूं। सो बेसिक सा मेरा मानना ये है कि अगर आपका फंड रखा है, सो पहला स्टेप है कि आप उसको कैश करने की सोचे P2P के माध्यम से। दूसरा स्टेप है कि आप उसको किसी भी एक्सचेंज पर डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर हार्डवेयर वॉलेट है सो आप वहां पर भी अपने फंड को रख सकते हैं, और अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं है सो आप सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी अपने फंड को रख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में आप रख सकते हैं, या फिर आप सेफपाल में भी रख सकते हैं, मेटामास्क में रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी वॉलेट का UI आपको अच्छा लगता है उसके अंदर आप रख सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पर अपना जो फंड है वो रख सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी कोई एडवाइज नहीं है कि आप इस एक्सचेंज को यूज करें। मैं खुद ज्यादातर 3 एक्सचेंज को यूज करता हूं। पहला है CoinDCX, जिसको मैं सबसे अधिक यूज करता हूं। उसके बाद में CoinSwitch, जिन्होंने रिसेंटली अपना प्रो वर्जन भी लॉन्च किया। उसके बाद में वजीरेक्स को मैं काफी समय से यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है कि वजीरेक्स को ऑन कौन करता है, बाइनेंस करता है या फिर बेसिकली जो निश्चल शेट्टी जी हैं वो इसको ऑन करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। खैर, इस वीडियो में इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे। सो आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, जिस भी एक्सचेंज को आप यूज करना चाहे अपने अनुसार। अगर आपका अकाउंट नहीं है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।